आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, मैं हूं आपके साथ अंजलि। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। आजमगढ़ जिले के बुढ़नपुर तहसील क्षेत्र के विकास खंड कोलसा के कटोही ग्राम प्रधान प्रतिनिधि रणविजय मौर्य का आरोप है कि ग्राम सभा के दबंग मनबल लोगों द्वारा ग्राम सभा की ग्राम समाज की भूमि पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया गया है, जिसके चलते ग्राम सभा का विकास कर पाना बड़ा मुश्किल दिखाई दे रहा है। प्रधान प्रतिनिधि का दावा है कि मेरे द्वारा कई बार इसकी शिकायत उच्च अधिकारियों से भी की गई, फिर भी अवैध रूप से कब्जा को नहीं हटवाया गया। उनका कहना है, अवैध रूप से कब्जा के चलते ग्राम सभा में ना तो चकमार का निर्माण किया जा सकता है, ना ही नाली का निर्माण, ना ही पोखरी की खुदाई की जा सकती है, जिसके चलते सारा विकास कार्य ठप है। इसकी शिकायत उप जिलाधिकारी बुढ़नपुर से की गई। कई बार तहसील दिवस पर प्रार्थना पत्र दिया गया, जिसका निस्तारण अभी तक नहीं किया गया, जिसके चलते ग्रामीणों में काफी आक्रोश है। ग्रामीण प्रशासन से काफी नाराज ग्रामीणों ने प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि शीघ्र ही अतिक्रमण नहीं हटाया गया तो हम ग्रामीण विधानसभा चुनाव का बहिष्कार करेंगे। इस संबंध में उप जिलाधिकारी नवीन प्रसाद ने बताया कि मामला मेरे संज्ञान में है, शीघ्र ही अतिक्रमण हटवा दिया जाएगा। न्यूज 9 भारत के लिए अरविंद सिंह की रिपोर्ट। क्या नाम है? मेरा नाम रणविजय मौर्य है। पहले पूरा परिचय देते हुए बताइए। मेरा नाम रणविजय मौर्य है, ग्राम प्रधान प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत कटोही और तहसील बुढ़नपुर, जिला आजमगढ़ एवं ब्लॉक कोयलसा का मूल निवासी हूँ। हमारे गांव में कुछ मनबड़ दबंग किस्म के आदमी जो हैं गांव समाज की भूमि पर अतिक्रमण कर लिए हैं, जिससे गांव में विकास करने संबंधी तमाम समस्याएं आ रही हैं। चकमार्ग हुआ, नाली, बाहा, खरिहान, गढ़ही, इस सब पर इतना कब्जा है। हमने बड़े से छोटे से लेके बड़े अधिकारियों तक इसकी शिकायत की, लेकिन आज तक कोई निवारण नहीं हुआ। इससे जनता में बहुत आक्रोश है। जनता ने कहा कि अतिक्रमण जब तक हटेगा नहीं तब तक हम विधानसभा चुनाव में भाग नहीं लेंगे, और जनता में काफ़ी रोष है, जिसके चलते हम बहुत परेशान हैं। हमारा दावा है, हमने पूर्ण रूप से सब कुछ कराया, लेकिन आज तक अतिक्रमण हटने का नाम नहीं ले रहे हैं अधिकारी। जैसे मान लीजिए चकमार्ग का विकास किया जाए, आने जाने के रास्ते संबंधी सुविधा हो जाएगी, अगर गढ़ई खुदवाया जाए तो पानी संबंधी समस्या दूर हो जाएगी, अगर नाली खुदवाया जाए तो नाबदान सबका उसमें उसकी रास्ते से गढ़ई चला जाएगा, अगर खलिहान किया जाए तो सबकी बारात और आता इस सबके लिए क्या नाम उसमें सुविधा होगी। इसके चलते गांव में इतना रोष है कि हम बहुत परेशान हैं। अब प्रधान प्रतिनिधि होते के नाते हम किनकी समस्याएं सुनी, हम यहां से लेकर जिले से लेकर तहसील तक कर, लेकिन आज तक कोई नया नहीं मिला। अधिकारियों द्वारा कुछ आश्वासन मिलता है? आश्वासन मिलता है, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। अधिकारी पूरी तरह से संतुष्ट है? आपकी जो मतलब अतिक्रमण जो जमीन है वो ग्राम समाज की जमीन है कि कोई और जमीन? नहीं, पूर्ण रूप से गांव समाज की जमीन। इसके लिए मैं तो दाव कितना जमीन होगी लगभग? लगभग कम से कम मान के चलिए कम से कम अगर सब हेक्टेयर देखा जाए तो कम से कम एक बीघा सब मिलाकर कब्जे हैं जी। हाँ चलिए, इसकी लड़ाई आप लड़ रहे हैं? लड़ रहे हैं, लेकिन अधिकारी सुन नहीं रहे हैं। तलाते रहे तो समाज में कानून व्यवस्था कुछ उसका समझ ही नहीं रहे कि कानून व्यवस्था कैसी है कैसी नहीं है। अब मुख्यमंत्री क्या हुआ, अधिकारी क्यों ताल दे रहे हैं? अब पता नहीं, नहीं समझ रहे किस बात। या तो मन जितने दबंग उनसे पैसे ले लिए होते होंगे इसकी, जिसकी वजह से कोई कार्रवाई नहीं होती होगी। और मुख्यमंत्री का सख्त निर्देश का जो अवैध अतिक्रमण उसको हटवाया जाए, मुख्यमंत्री का सख्त निर्देश होने के बावजूद अधिकारी नहीं सुन रहे हैं। पता नहीं कितना निर्देश, कुछ समझ नहीं आ रहा है जी। यही ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ न्यूज 9 भारत पर। अब चाहूंगी इजाजत, नमस्कार।